नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर, और जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, और बताएंगे कि यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि निफ्टी में कैसा डाटा बन रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10,700 के ऊपर पुट लेके काम करोगे या शॉर्ट कॉल लेके काम करोगे तो वो आपको अच्छा मुनाफा देगा। और आज आपने देखा जैसे मार्केट 10,700 के ऊपर निकला, वैसे ही एक तेज़ सेल ऑफ देखा गया मार्केट के अंदर। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसा डाटा बन रहा है, और क्या अभी भी ये दिक्कत है, क्या कॉल राइटर्स ज़्यादा है मार्केट में। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम निफ्टी के डाटा को। देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एक्सपायरी होने वाली है परसों के दिन, वो कहाँ पे हो सकती है और किस लेवल पे हो सकती है, और अभी कैसा डाटा बन रहा है जिससे कि हम कल अपने सही पोजीशन को बना सकें। जैसा कि क्लोजिंग देख लेते हैं, 10,604 पे क्लोजिंग आई है यहाँ पे, और 10,600 के नियरेस्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे 10,600 पे क्या हो रहा है, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हमारे लिए देखने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 10,600 की जो पुट है वहाँ पे 8,16,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट इसके कंपैरिजन में अगर मैं 10,600 की कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना है, सिर्फ 4,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और 10,700 की बात करूँ तो 10,700 पे क्या हो रहा है कि पुट में सिर्फ यहाँ पे 4,87,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 10,700 की जो कॉल है वो एज इट इज़ कल की तरह ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कल भी यहाँ पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा था और आज भी यहाँ पे बन रहा है। करीब 14 ऑलमोस्ट 15 14,80,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो 10,700 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम ही कर रहा है। आज जिस तरीके से निकलने की कोशिश करी थी तो एक बार लग रहा था कि मार्केट शायद ऊपर सस्टेन कर जाए, बट तेज सेल ऑफ ने मार्केट को नीचे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ देखिए, अब मार्केट में बेचने के लिए बचा क्या है, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां उन्हीं में ही बिकवाली आ रही है। HDFC बैंक, HDFC रिलायंस, इन कंपनियों में सेल ऑफ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये हैवी वेट है, तो जब इनमें सेल ऑफ आएगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा अपने आप। तो यही चीज़ हो रहा है। बाकी मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में तो सेलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है ख़त्म। वो तो मिड कैप, स्मॉल कैप तो पिट पिट के उनकी तो बुरी हालत ही हो चुकी है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 10,600 पे ही सबसे अच्छा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट में बन रहा है। यानी ये मान के चलिए कि अगर 10,600 टूटता है तो फिर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा ट्रेडर नहीं मान रहे बिल्कुल क्लियरली, कि यहाँ पे फिर उनको लगता है फिर नीचे 10,500 10,400 तक के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे अभी मान के चलिए आप 10,800 का है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि करीब 19,45,000 का ऊपर इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 10,800 की कॉल पे। दूसरी चीज़ है, आज डाउ की भी ओपनिंग होगी तो देख लेते हैं एक बार कैसा डाउ खुल रहा है, तो उससे भी सारी चीज़ें हमें क्लियरली पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ रहता है, देखिए डाउ 35 पॉइंट की ओपनिंग हुई है, गिरावट के साथ खुला है यहाँ पे। तो हमारे लिए सेंटिमेंट थोड़ा सा भी नेगेटिव ही बना रहेगा, क्योंकि हमारे सिंपल सी चीज़ है, हमारी जो है बेसिकली आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद इलेक्शन है, और इलेक्शन की वजह से ही ये सेल ऑफ कंटिन्यूसली रहेगा। अब ये देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10,600 पे मार्केट रुकेगा या नहीं रुकेगा। यहाँ पे चांसेस कम है, क्योंकि एक बार लार्ज कैप में भी सेलिंग आएगी और ये 10,600 का लेवल शायद टूट जाएगा। अब ये अभी टूटेगा या कुछ दिन बाद टूटेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर रहा, बट जिस तरीके से यहाँ पे कॉल राइटिंग्स हो रही है तो उस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे के जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर। तो आप यही समझ के चलिए कि 10,700 720 730 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो शॉर्ट कॉल लेके काम करिए एज़ कम्पेयर टू नीचे बाय करने से अच्छा है। तो यही इस डाटा में क्लियरिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा हैं, तो कॉल राइटर ज़्यादा हैं तो ऊपर जब मार्केट उछलेगा तो आपको एक शॉर्ट कॉल लेके फ़ायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाय कॉल लेके। तो इसी चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।